शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हमारी शक्तियां तो कतई ही शैतान है, इसे काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में हम मायावी लुगाई का सामना कैसे करेंगे? ओ छोटी कुमारी, का हाल चाल? तुम्हें तो बाबू से लिपटा छिपटी करवाने के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है, उसी में आगे रहती हो। नखरे देखो इनके, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी शक्तियों को काबू में कैसे करें, कैसे करें? का है? ओ छोटी कुमारी, तुम्हारा किसी जूड़े वूड़े के साथ चक्कर चल रहा है क्या? फोन करना है उसे? हाँ? अब तो पक्का चल रहा है। बताओ बताओ, तुम हम भी छोटी हो? नहीं, वो अलबेला जी का फोन है, बिना पूछे छुओ मत। कभी तो हमारी बात सुन लो छोटी कुमारी। छोटी कुमारी नहीं, छोटी कुमारी। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी टीचर? नहीं, बनना है आपको डायन जगत में हंसी का बाल, तो देखिए डायन शास्त्र। वाह, आज का हमारा टॉपिक है डायन अपनी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करें। तो सखियों, आपने देखा होगा जब आपको बहुत गुस्सा आता है या आपको बहुत डर लगता है तो आपकी शक्तियाँ नखरे तो नहीं करती पर फिर भी पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बहुत ही ज्यादा नखरे करती है। इसके लिए डायन बहनों, अपनी आंखें बंद करें और अपने सबसे खुशी के पलों को याद करें, क्योंकि जब मन में होगी खुशी और उमंग तभी तो शक्तियों की ट्यूनिंग होगी आपके संग। अब तक हम सब गलत कर रहे थे। देखो ये ज्यादा अच्छा, ये देखो तुम। किरण यहाँ आना, इससे पूछते हैं, इसको पता है। हाँ। ये देखो एक और ऑप्शन, ये भी अच्छा है, अच्छा लगेगा। ब्लू अच्छा है, ब्लू के लिए पूछो। अच्छा ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। किरण ये बताना ना कैसा है। हाँ बताओ। प्रिटी है पर मेरे टाइप का नहीं है। अरे तुम्हारे लिए नहीं है ये, तो चंपा के लिए। हमने सोचा कि उसे कोई थैंक यू गिफ्ट देना तो बनता है, इसीलिए ये अच्छा है ना। वैसे भी वो बेचारी गिन चुन के दो तीन ही कपड़े पहनती है, तो हमने सोचा कुछ गिफ्ट कर दे। ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे मुझे भी, तो ये वाला ही पैक करते। पुष्पा जैसा था पैक वैसे ही पैक करके देना। इसमें पैक करना पुष्पा? अरे अभी करो। दो
हम बाबू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विक्रम से मेरा है, विक्रम से मेरा है। ये हमारा फोन नीचे कैसे गिरा? ए बकरिया, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। हाँ तो कुछ करो, अब तो तबीयत भी ठीक हो गई है। रसोई द किचन में चल के हमारी मदद कराओ। बिल्कुल, अब चलिए हम अभी आ रहे हैं। भोलेपन के नाटक से पर्दा उठने वाला है चंपा, और अब तो घर वाले भी तुम्हारी इस तरह जान ही जाएंगे। फिर देखती हूँ मैं तुम इस घर में कैसे रहती हो। भाभी हम आपकी मदद करते थे। ये बकरिया, तुम वो फोन के साथ क्या कर रही थी? अलबेला जी, फोन में क्या करते हैं, हम तो बस वीडियो देख रहे थे। तो तुमने तो फिर वो भी देखा होगा ना, क्यों फोन अपने आप हिला था? तो हिल गया है क्या अलबेला? फोन अपने आप कैसे हिल सकता है? भाभी हमें तो लगता है कि भेड़िये के हमले के बाद ना अलबेला जी सदमे में पहुंच गए हैं। ए, ए, ए बकरिया, सदमे में जाए हमारे दुश्मन दैनी में, लेकिन वो फोन हल्का सा तो हिला था। आपको शायद आराम की जरूरत है अलबेला जी, है ना भाभी? अलबेला हाँ? वो तेल की भरनी जरा पकड़ाना। हाँ बेला, क्या हुआ? जाओ जल्दी। हाँ है? कहाँ चली गई? हमने अभी तो यही रखी थी। क्या हुआ अलबेला, लाओ जल्दी। हे भगवान, द गॉड, ये क्या हो रहा है? फोन अपने आप हिल रहे हैं, बर्तन अपने आप गायब हो रहे हैं। लगता है हमको सचमुच आराम की जरूरत है। अलबेला तू रसोई संभाल, मैं आती हूँ। माँ माँ मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? मुझे क्या नहीं मिल रहा है? माँ जी कंगन जो आपने मुझे शगुन पे दिए थे वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह किरण शांत हो जाओ बेटा, कपड़े कागजों के नीचे दब गए होंगे। माँ जी मैंने पूरी ड्रॉर चेक कर लिए, कहीं नहीं है कंगन। मैंने पूरा रूम चेक कर लिया, यहाँ तक कि मैंने ड्रॉर भी नहीं खोला था। मैंने कहाँ चले गए नीचे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कमरे में चंपा आई थी साफ सफाई के लिए। हम आपके कमरे में नहीं गए किरण जी। अरे झूठ क्यों कह रही हो? अरे मैंने तो कहा था तुम्हें कि जाओ मेरे कमरे में साफ सफाई करके आओ।
तुम झूठ नहीं कह रहे हो? कैसी लड़की है ये? कमरे में गई थी तो भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे क्या छिपा रही है नौकरानी, कहीं किरण के सोने की कंगन तो नहीं छिपा रही हो? माधुरी अंदाजा भी है कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो चंपा पे? अंदाजा तो इस नौकरानी को है जिठानी जी, वो भी सोने के भाव का अंदाजा। क्या बात हो रही है यहाँ पर? अम्मा जी बातों का जमाना तो बीत गया, अब तो इस घर में चोरियां हो रही हैं चोरियां। ये आपको नहीं पता इस नौकरानी ने किरण के कमरे की सफाई की और फिर क्या था, सोने के कंगन ही साफ हो गए। आप ये क्या बोल रहे हो? चंपा है, चंपा जिसने कली भैया की जान बचाई थी, चंपा की कोई जुड़वा ईविल बहन पोशंपा नहीं है कि घर में चोरियां करती फिरे? चलो तुम बहरे हो क्या? जब घर में बातें चल रही होती है ना तो कान खोलकर सुना करो। इस नौकरानी ने विक्रम की जान नहीं बचाई है। तुमने नहीं सुना था अम्मा जी ने क्या कहा था कि वो भेड़िया कुएं में गिरकर मर गया? अच्छा चलो ध्रुव तुम्हारे लिए हम मान भी लेते हैं कि नौकरानी ने विक्रम की जान बचाई, तो उससे क्या, सोना देखकर तो किसी की भी नीयत खोटी हो सकती है ना। और फिर ये तो ठहरी एक गरीब नौकरानी। क्या बोल रहे हो, कुछ बोलने से पहले सोचो तो सही। हम गरीब जरूर है चाची जी, पर हम चोर नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे कमरे की तलाशी नहीं लेते, I'm sure तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? किसकी तलाशी ली जा रही? विक्रम, विक्रम मेरा सोने का कंगन घूम गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे कहीं नहीं मिल रहे। और पता है बेटा विक्रम, ये नौकरानी अपने कमरे की तलाशी लेने के लिए मना कर रही है, पता नहीं क्यों। अरे पता तो है ना चाची, ये महारानी अगर बेकसूर है तो तलाशी लेने में दिक्कत का है और क्या। क्या आपको भी यही लगता है कि हमारे कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए? घर के फैसले बड़े करते हैं और दादी बताएगी कि हमें तलाशी लेनी है या नहीं। और विक्रम भी दादी की बात मानेगा, है ना विक्रम? ठीक है, चंपा के कमरे की तलाशी ले लेते हैं, सबकी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है चंपा? हाँ अम्मा जी, हम सब जाते तलाशी करने के लिए, है ना? चलो चलो जिठाने चाहिए, दोनों आओ चलती। तुम ये रुको, जल्दी से कंगन धो। हाँ हाँ मैं धो। आज ना दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तुम सब भी जाओ, वरना इन दोनों को कंगन ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा। किरण जी बार बार बिस्तर की तरफ काहे देख रही है? किरण नहीं है यहाँ कंगन। अरे एक बार विक्रम प्लीज चेक तो करो यार। अरे विक्रम खड़े क्या हो, देखो ना तकिए के नीचे, जाओ जाओ देखो देखो। क्या
चंपा, तुमने तो कहा था तुमने कंगन नहीं चुराए, फिर ये किरण के कंगन तुम्हारे कमरे से कैसे निकले बताओ? अम्मा जी, इस कंगन के न पैर न पंख तो अपने आप तो आया नहीं होगा। वैसे एक बात बोले, इस चोरनी के आप लोगों ने बड़े गुणगान गाए, लेकिन ये चोरनी आप सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। नहीं किया, इस चोरनी की वजह से हमारे मनोहर भैया को आप लोगों ने कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन हमारे भैया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हमारे मनोहर भैया की आत्मा को स्वर्ग में बड़ी शांति मिल रही होगी। मिस यू मनोहर भैया। नहीं किया है, हमने नहीं किया है। चाची। हाँ। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। नहीं 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 नहीं, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, आज तो हम खुद इस चोरनी को पुलिस थाने छोड़ कर आएंगे। चल चाची जी। चलो मम्मी। चाची, दुनिया की हर अदालत में बड़े से बड़े मुजरिम को भी अपनी बात रखने का हक मिलता है, तो क्या इस घर में चंपा को उसकी बात कहने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? चंपा, तुम्हें क्या कहना है? हमने आज तक सिर्फ सच कहा, आज भी सच कहेंगे, हम झूठ नहीं है। देखो तो कैसी बेशरम लड़की है भाई, सामने सबूत है लेकिन झूठ पे झूठ बोले जा रही है। लेकिन हम कह रहे हैं आप लोग ना इसके झांसे में मत आना, और इसका ये भोलापन, ये आंसू सब नकली है। सिर्फ एक ही चीज नकली है, असली सोना इतनी आसानी से टूट ही नहीं सकता। ये वो कंगन नहीं है जो हमने किरण को दिए हैं। सब कहाँ नाटक है, और तुम नकली कंगन लेके कहाँ घूम रही हो? सामने बात कहीं की। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। हमें किरण जी के कंगन का डिजाइन बहुत पसंद आ गया था, हमारे पास उतने पैसे नहीं कि असली सोने के कंगन बनवा सके, इसलिए नकली सोने के कंगन बनवाए अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह से। क्या किया तुमने, आप कहाँ छुपाए मेरे कंगन? हमने नहीं छुपाया है, हमारे पास आपके कंगन थे ही नहीं। ये होशियारी ना किसी और को दिखाना। हम आपके सामने होशियारी कहाँ जाएंगे, आपको पता कि आपके कंगन कहाँ है? तो कहाँ गए हमारे कंगन? कलाई में। किरण, कंगन तो तुम्हारी कलाई में है, फिर तुमने चंपा पे इल्जाम क्यों लगाया? कुछ तो गड़बड़ कहाँ है हमारे असली कंगन? हमारे पास हमारे नकली कंगन थे जो हमने आपको तोड़ के दिखा दिए। चटा चंपा, हम चाहते हैं कि असली कंगन तुम्हारे पास ही है। पूरा विश्वास है? हाँ, हमें है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना विश्वास कैसे? क्योंकि हमने तो तुम्हारे कमरे में कंगन छुपाए थे। किरण, तुमने चंपा के कमरे में जानबूझ के कंगन छुपाए, क्यों? किरण, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम चंपा को घर से बाहर निकालना चाहते थे। ये तुम क्या बोल रही हो किरण? हम विक्रम को और चंपा को एक साथ नहीं देख सकते। आप लोगों को नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये लड़की ये हमारे विक्रम पे टोली डाल रही थी। किरण, बस बहुत हो गया, एक बार उस पे गलत इल्जाम लगा के दिल्ली भरा क्या तुम्हारा? उल्टी सीधी बातें की जा रही हो। मुझे पता था विक्रम, मैं कुछ भी कहूंगी तो मुझे चिल्लाओगे, और आप लोग कोई मुझे समझ नहीं पाएगा।
की इस लड़की ने ना सबकी आंखों में पट्टी बांध के रखी है, मेरे विक्रम पे ये डोरे डाल रही है, और विक्रम भी इस पे दया करके बार बार इसकी साइड लेता है। और हम ना तुम जैसी लड़कियों का अच्छे से जानते हैं, और हम ना इसे आप लोगों की अच्छाइयों का फायदा नहीं उठाने देंगे। किरण, गुस्से में मुंह से निकली हुई हर बात बाद में पछतावा देती है, आगे और कुछ मत कहना। मुबारक हो, तुमने हमारी कुटियों पे आग लगा दी, और विक्रम तुम ऐसी लड़की के लिए मुझे ऐसी लड़की व्हाट? अभी आपने हमारी तरफ इशारा करके कहा ना, ऐसी लड़की कैसी? नीची औकात वाली नौकरानी, मैं चंपा को पहले से जानता हूं। मैंने पहली बार चंपा को जीजा जी के साथ देखा था। इन दोनों का अफेयर चल रहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चंपा को जीजा जी से दूर रखने के लिए मुझे चंपा से शादी करनी पड़ी। सिंदूर? ये सिंदूर नहीं वशीकरण राग है, इसे तुम्हारी मांग में भरते ही विक्रम तुम्हारे वश में हो जाएगा, वो तो चंपा को भी घर से बाहर निकाल देगा।